नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। यूपी में कई शहरों में जंगली जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो जंगली जानवरों ने अब शहरों में और गांव में अपना डेरा डाल दिया हो। बीते दिनों बहराइच में भेड़िया, सीतापुर में भेड़िया, रामपुर में तेंदुआ और अब लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए दोनों ने ही आतंक फैलाया हुआ है। हाल ही में लखीमपुर खीरी में बाघ को देखे जाने की खबर सामने आई थी। बाघ ने एक महिला पर हमला भी किया जिसकी वजह से महिला की मौत भी हो गई थी। इसी कड़ी में बाघ वाले इलाके में वन विभाग ने मुनादी लगाई और इस मुनादी में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। लखीमपुर खीरी बाघ वाले इलाके में वन विभाग द्वारा मुनादी लगाई गई थी, जिसमें मुनादी में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही साथ खेत में अकेले जाने से बचने को कहा गया और उन्हें कहा गया कि अगर आप खेत में जाते हैं तो कृपया करके झुंड में ही जाएं। एक तरफ लखीमपुर खीरी में प्रशासन बाघ की वजह से मुनादी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में तेंदुए की भी एंट्री हो गई। यहाँ बाघ का आतंक थमा नहीं था कि दूसरे इलाके के लुधौरी वन रेंज क्षेत्र के जोखी पूर्वा गांव के बाहर गन्ने के खेत में तेंदुआ पाया गया। तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने एक कुत्ते पर भी हमला किया लेकिन कुत्ता बच गया। वहीं आज फिर से सुबह के वक्त ग्रामीणों को बाघ दिखा है। सुबह शौच के लिए गए एक युवक ने खेत में बाघ को देखा और तभी वहां से दौड़ लगा दी। किसी तरह उस ग्रामीण ने भागकर अपनी जान बचाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।